पिछले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर कहाँ पहुंचा है, जरा इस पर भी आप अपनी दृष्टि ले जाइए। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट जम्मू कश्मीर का 9.8 हो गया है, और जानते हैं नेशनल एवरेज क्या है, 24.9। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जम्मू कश्मीर का 16.3, नेशनल एवरेज है 35.2। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट जम्मू कश्मीर का है 18.5, नेशनल एवरेज है 41.9। टोटल फर्टिलिटी रेट जम्मू कश्मीर का 1.4, नेशनल एवरेज 2। सेक्स रेशियो एट बर्थ जम्मू कश्मीर का 976, नेशनल एवरेज 929। इंस्टीट्यूशनल बर्थ, ऐसे जन्म शिशुओं की, बच्चों की, जो अस्पताल में होती है, जम्मू कश्मीर 92.4 और देश का एवरेज है 88.6। जरा 2 साल पहले के आंकड़े जरा आप उठा करके देखिए, 2.5 साल पहले के, कहाँ था जम्मू कश्मीर। फुल्ली इम्यूनाइज चिल्ड्रेन, जिन बच्चों का टीकाकरण हुआ है, 96.5, ये JNK का है, और एवरेज है 83.8, नेशनल एवरेज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जम्मू कश्मीर इज 74, नेशनल एवरेज इज 69.4। टीचर प्यूपिल रेशियो, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो, जम्मू कश्मीर 14.1, 14 विद्यार्थी पर एक शिक्षक, नेशनल एवरेज 32:1, 32 पर 1। वाटर कवरेज 57.86 JNK, नेशनल एवरेज 50.30। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मोर देन 54% इन JNK, नेशनल एवरेज इज 24.62। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, माने बिजली की खपत एक व्यक्ति पर 1384 यूनिट, नेशनल एवरेज 1208। और ये 1384 जानते हैं पहले कितने थे आप, 2 साल पहले 1198। 2 साल में बिजली की खपत इसलिए बढ़ गई कि बिजली की उपलब्धता बढ़ गई। अब स्कीम्स की अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो एक भारत सरकार स्कीम चलाती है मिशन इंद्रधनुष, 100% सैचुरेशन। ओल्ड एज पेंशन 100% सैचुरेशन। विडो पेंशन 100% सैचुरेशन। डिसेबिलिटी पेंशन 100% सैचुरेशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन 6 लाख बेनिफिशरीज कवर्ड। शेड्यूल कास्ट की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 100% कवरेज। माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 100% सैचुरेशन। पोस्ट मैट्रिक शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप 100% सैचुरेशन। माइनॉरिटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 100% सैचुरेशन। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप 100% सैचुरेशन। शुगर एंड फूड ग्रेन सब्सिडी अंडर PDS 100% सैचुरेशन। पोषण अभियान 400% इंक्रीज इन जन भागीदारी। पोषण ट्रैकर 100% इम्प्लीमेंटेशन। पोषण वाटिका 100% इस्टेब्लिश्ड। PM किसान सम्मान निधि 100% सैचुरेशन। किसान KCC 100% सैचुरेशन। मुझे याद है जब मैं आया था, ब्लॉक दिवस मैंने शुरू किया, मुझे तकलीफ हुई कुछ स्थानों पर जब मैं गया तो देखा कि देश के बाकी राज्यों में तो ये सब सुविधाएं लोगों को मिल गई, जम्मू कश्मीर में नहीं मिली। आज उसका परिणाम ये है कि इन सभी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स में हमारा 100% सैचुरेशन हो गया है। आज कोई आता है, अगले कुछ दिनों में उसकी पूर्ति की जाती है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर्स मातृ वंदना योजना
100% सैचुरेशन, स्वच्छ भारत मिशन, पहले ही हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए, पहल ई ऑफिस 100%। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ई ऑफिस यहाँ देश में बहुत पहले शुरू हो गया। यहाँ ई ऑफिस हुआ जब 2020 अगस्त में मैं आया, तो अक्टूबर 28 को मेरी आंख के सामने 212 ट्रकों में फाइल लद करके यहाँ से जम्मू गई थी। तब मैंने तय किया था कि जब जम्मू से श्रीनगर आएंगे तो फिर कोई ट्रक फाइल लेकर के नहीं आएगी। और एक बात मुझे लगता है कि ये समझने की जरूरत है कि मोटे तौर पर करप्शन कहाँ हो सकता है, जहाँ आदमी से भेंट। करप्शन कम करने का उपाय क्या हो सकता है? सिस्टम इन प्लेस एंड मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। 290 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई और उसको ट्रैक कर रहे हैं। जो एवरेज सेटिस्फैक्शन लेवल है लोगों का, 6 लाख लोगों से फीडबैक लिया, मोर देन 75%। जो कमी है वो भी हम जानते हैं, उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में मंथली इनकम हमारी क्या है किसान की, हम 13वें नंबर पर थे, आज हम पंजाब और हरियाणा के बाद 3रे नंबर पर आ गए। लगभग सभी पंचायतों में प्ले फील्ड बना दिए गए। जिन पंचायतों में जमीन नहीं है उनकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मोस्टली पंचायतों में प्ले फील्ड बना दिए गए। सबसे ज्यादा प्लांटेशन 1,35,00,000 गत वर्ष हम लोगों ने किया है और इस बार 1.5 करोड़ कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आजादी से लेकर 1 साल पहले तक कुल 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था, आज हमारे पास 56,000 करोड़ के प्रस्ताव हैं, जिसमें 38,000 करोड़ सैंक्शन कर दिए गए और काम प्रारंभ हो गए, शेष भी आने वाले कुछ महीनों में सैंक्शन कर दिए जाएंगे। हाईएस्ट एवर मिल्क प्रोडक्शन, डेफिसिट स्टेट में हम गिने जाते थे मिल्क के मामले में, अब हमारे पास सरप्लस मिल्क हो गया है। जब मैं आया था 50,000 लीटर मिल्क की प्रोसेसिंग पर डे होती थी, आज 1.75 लाख लीटर की प्रोसेसिंग पर डे हो रही है और 3 साल बाद 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हर दिन होगी, ऐसा जम्मू कश्मीर हम बनाना चाहते हैं। हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन, हाईएस्ट एवर स्टैंप ड्यूटी कलेक्टेड, हाईएस्ट एवर एक्साइज कलेक्शन, ये सब पिछले साल हमने हासिल किया है। लार्जेस्ट इनरोलमेंट एवर इन स्कूल्स, सरकारी स्कूलों की बात मैं कर रहा हूं। ई गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर फर्स्ट अमंग यूटी हो गया और अगर राज्यों को मिला लें तो वी आर फिफ्थ, और मैं कहना चाहता हूं कि अगले साल फर्स्ट या सेकंड हम ही होंगे। हाईएस्ट एवर टूरिस्ट अराइवल, अनप्रेसिडेंटेड आई कैन से। हाईएस्ट एवर एयर ट्रैफिक, मुझे याद है 34 फ्लाइट चलती थी श्रीनगर हवाई अड्डे से, आज 110 ऑपरेट हो रही। जम्मू से 8 फ्लाइट चलती थी, आज 54 फ्लाइट चल रही है। ट्रांसपेरेंसी अमंग द बेस्ट, पहली बार एस्पिरेशनल ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये पहला राज्य होगा जम्मू कश्मीर जहां एक तो पीडियाट्रिक्स वार्ड को हमने इम्प्रूव किया है, मैटरनल वार्ड को इम्प्रूव किया है और जीरियाट्रिक सर्विसेज माने बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी वार्ड, केवल एक अकेला जम्मू कश्मीर है देश में जिसके हर जिला अस्पताल में। अब स्टार्टअप में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग कैटेगरी बी में आ गए और अगले साल कैटेगरी ए में जरूर होंगे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लैंड एक बड़ी समस्या थी आम आदमी के लिए, कुछ ही लोग पढ़ पाते थे। श्रीनगर जम्मू में लगभग 90% पासबुक दे दी गई और इस महीने के अंत तक पूरे जम्मू कश्मीर का पूरा डिजिटाइजेशन हो जाएगा और अगले महीने से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीन भाषाओं में जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को लैंड पासबुक दे दी जाएगी। ये इंतज़ाम भी कर दिया गया है ताकि ये विवाद सदा सदा के लिए खत्म हो जाए।